दिल्ली कैंप से आपके विधायक सुरेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने सिक्किम विश्वविद्यालय से बीए पास किया, लेकिन एबीपी न्यूज से खास बात में बीजेपी नेता करण सिंह तवर जिस पत्र को दिखा रहे हैं वो उनके दावे को गलत बता रहा है। करण सिंह के मुताबिक ये पत्र उन्हें सिक्किम विश्वविद्यालय से मिला और पत्र में दावा किया गया है कि आपके विधायक सुरेंद्र सिंह ने सिक्किम विश्वविद्यालय से बीए नहीं किया है। 2014-15 के इस रिकॉर्ड में आज तक और इससे पहले भी कभी भी पास्ट ईयर्स में इसकी एनरोलमेंट यहाँ पर कभी नहीं हुई, ना ही हमारी यूनिवर्सिटी में, ना हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें, और ना ही हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस जो भी हैं सिक्किम यूनिवर्सिटी के, उसमें कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति जो है आज तक उसने किसी ने कोई भी ऐसी डिग्री नहीं। करण सिंह तवर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सुरेंद्र सिंह से पराजित हुए थे। चुनाव के समय ही उनको सुरेंद्र सिंह की डिग्री को लेकर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने आरटीआई के जरिए सुरेंद्र की डिग्री के बारे में सिक्किम विश्वविद्यालय से जानकारी हासिल की। सिक्किम यूनिवर्सिटी में हमारे दो आदमी गए, 4-5 दिन वो वहीं पर रहे और उन्होंने आरटीआई के तहत जानकारी ली कि सुरेंद्र सिंह सन ऑफ शेर सिंह जो हैं, जो कि रेजिडेंट ऑफ छारा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा में रहते हैं, उन्होंने क्या यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। तो उन्होंने हमें राइटिंग में लिख कर दिया यहाँ पर कि सुरेंद्र सिंह नाम का कोई भी व्यक्ति आज तक यहाँ पर हमारे यहाँ पर एनरोल नहीं हुआ। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह का दावा है कि उनकी डिग्री असली है और अदालत में सच सामने आ जाएगा। डिग्री तो मैंने पीएचडी के बराबर तक कर रखी है, ये तो बीए की डिग्री के ऊपर सवाल जवाब कर रहा है। कोर्ट में जो है वहाँ पे तलब कर दिया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट है सारे पेश कर दिए जाएंगे, उसमें तो कोई है ही नहीं। सुरेंद्र सिंह की तथाकथित फर्जी डिग्री का पूरा मामला अब कोर्ट में है और इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होने वाली है।